धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन जिले के अलग अलग स्थानों, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और आमजन से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां आ चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि भयमुक्त मतदान के लिए जिले के सभी थानों के अंतर्गत आज गांवों, कस्बों सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन व पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों के फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह के सुपरविजन में जिले भर में सभी थानों की पुलिस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान एहतियात बरतने के लिए और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। जिले में वाहन चेकिंग का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस चुनाव को लेकर लगातार एक्शन में है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का धौलपुर आगमन हुआ। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने धौलपुर के रेस्टोरेंट स्पाइसी ट्रीट राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। गहलोत सरकार के द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को भाजपा सरकार बनने पर उजागर किया जाएगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाम्बर दयाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रति जनमानस बन चुका है। हर घर से भाजपा का वोट निकल रहा है। युवाओं में भाजपा के प्रति जोश है। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि धौलपुर जिले की चारों सीटें भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वार्ता में भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग के आईटी के सह संयोजक हरेंद्र राव, जिला सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, मीडिया सेंटर के संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक अविनाश गुर्जर उपस्थित रहे। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ रहा है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का सदस्य था। हमने बार बार मांग की कि सीबीआई से जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच नहीं कराई। आज जब ईडी पहुंच रही है तो परते उतरने का काम। राजस्थान में एक काफी धौलपुर जिले की चार विधानसभा सीटों पर 928 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,75,337 मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले के कई इलाकों में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां नेटवर्क नहीं है। उन मतदान केंद्र पर गतिविधि पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मल्टीलेयर फोर्स टीम बनाई गई है। यह केंद्रीय और राज्य कर्मचारी की चार स्तरीय की टीम होगी, जिसमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक वीडियोग्राफर, एक क्यूआरटी का सदस्य और सीएपीएफ के जवान होंगे। जिले में 928 केंद्रों में से 332 संवेदनशील मतदान केंद्र है। उनमें से 40 केंद्रों पर नेटवर्क की समस्या है, जिसके कारण उन केंद्रों पर वेबकास्टिंग करने में प्रशासन को समस्या आ रही है। वही ऐसे मतदान केंद्रों की सुरक्षा और मतदान शांतिपूर्ण कराने को कर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा रविवार को मल्टीलेयर फोर्स बनाई गई है। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रूपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉच, नेकबैंड, एयरबड्स, बैग,
सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगा लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल, मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 27 82 00। विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर 3 अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कांस्टेबल चेतन मीणा को डोमई मंदिर के पास 2 लोगों के हथियार सहित होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर थाने से गठित की गई टीम को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने टोपीदार बंदूक के साथ लोहरे पुत्र गंगाराम कोहली के साथ 315 बोर की बंदूक और देसी पौना बंदूक के साथ राम खिलाड़ी पुत्र हजारी निवासी डोमई को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलाशी में पुलिस को 3 अवैध हथियारों के साथ 2 जिंदा कारतूस मिल गए। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार। 100 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम है। इसके अलावा बजाज के जीरो फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है बिना किसी ब्याज के। साथ ही एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, हर आइटम पर कोई ब्याज नहीं। 9 से 15 नवम्बर 2023 तक ऑफर का जल्दी लाभ उठाएं। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 09 5483 और 82 33 06 82 26। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रशासनिक हलचल तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर राजाखेड़ा में सोमवार दोपहर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंचायत समिति सभागार में वेबकास्टिंग बूथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पूरे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 114 बूथ है जिन पर वेबकास्ट होनी है। इस प्रक्रिया में 3 स्तरों पर निगरानी रहेगी। यह निगरानी राज्य स्तर पर भी रहेगी, जिसमें क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर लंबा प्रसारण किया जाना है। क्रिटिकल मतदान केंद्र पर कैमरे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीएलओ की रहेगी। इस लाइव वेबकास्टिंग को रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जयपुर के चुनाव अधिकारी देखेंगे। उन्होंने कहा कि 228 मतदान केंद्रों की 50% लाइव वेबकास्टिंग की जानी है। उन्होंने मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुगम करने के लिए सभी संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया गया है। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, एयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर और चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर आसान किस्तों में। मोबाइल खरीदने पर मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई प्रोफाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और नया फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर। इसलिए देर न करें, जल्दी पहुंचे जेट टेली कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। हमारा पता है पीएनबी एटीएम के बगल में तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785018105।
खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नव दुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल, तसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877-06-0049। निहालगंज थाना क्षेत्र में नारायण ढाबे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर से ट्रक पर ड्राइवरी करने के लिए बाइक से धौलपुर आ रहा था, जहां रास्ते में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर हादसे का शिकार हो गया। विपरपुर गांव का रहने वाला युवक राजेंद्र पुत्र सालीग्राम ट्रक पर ड्राइवरी का काम करता था। कुछ दिन पहले ट्रक को धौलपुर में खड़ा कर अपने गांव चला गया था। रविवार देर शाम को युवक घर से ट्रक पर जाने के लिए बाइक से निकला था, जहां रास्ते में नारायण ढाबे के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर युवक के घायल पड़े होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर पुलिस ने मृतक की पहचान करने के बाद परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर परिजनों की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अंशिका शर्मा बनी एडसा की डेंटल थेरेपी की प्रदेश अध्यक्ष। धौलपुर ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की डेंटल थेरेपी एवं कल्चरल एंड सिंगिंग कमेटी की कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई, जिसमें धौलपुर निवासी अंशिका शर्मा को डेंटल थेरेपी कमेटी का अध्यक्ष, साथ ही कल्चरल और सिंगिंग कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साजन नारंग एंड प्रदेश महासचिव अभिजीत अस्थाना ने शुभकामनाएं दी और बताया डेंटल थेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जो स्टूडेंट्स और आम लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिससे डेंटल फिजियोथेरेपी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व पाइल्स दिवस पर आयोजित निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 180 रोगी लाभान्वित। विश्व पाइल्स दिवस पर राज्य के आयुर्वेद चिकित्सालय बाड़ी में आयोजित गुदा रोगों की निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर की शुरुआत हुई। डॉक्टर भगवान दास शर्मा, उप निर्देशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करी। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शिविर में गुदा रोगों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, उदर रोग आदि के 180 रोगियों को जांच परामर्श कर निशुल्क चिकित्सा दी गई। डॉक्टर विनोद गर्ग, शल्य तंत्र विशेषज्ञ, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर ने विश्व पाइल्स दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित रोगियों एवं आमजन को गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, शिविर प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग, शल्य तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद शिवहरे, डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर दीप्ति सिंघल, कंपाउंडर दिलीप सिंह, राजेंद्र सिंह, परिचारक नहने एवं समाजसेवी साबिर खान आदि ने अपनी सेवाएं शिविर में दी। अंत में शिविर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने आभार व्यक्त किया। एजेंसी संचालकों की मनमानी पड़ रही आमजन को भारी। सर मथुरा कस्बा में पिछले दो दिनों से गुटखा एजेंसी संचालकों के द्वारा मनमाने तरीके से अचानक से गुटखा के दामों में 10-15% तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे ग्राहक और दुकानदारों में हल्की नोकझोंक देखने को मिल रही है। साथ ही नाम न छापने की शर्त पर एक दुकानदार ने बताया कि गुटखा एजेंसी संचालकों ने विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए ऊपर से ही माल न आने की बात कहते हुए गुटखा के दामों में अचानक से बढ़ा दिए हैं, जबकि एजेंसी संचालकों के गोदाम ने गुटखा पहले से ही स्टॉक कर रखा है। साथ ही बताया कि पहले जो रेट ने
एजेंसी संचालक गुटखा का पैकेट देता उसके पिछले दो दिनों से 10 से 15 रुपये अधिक ले रहा है, जिससे छोटे दुकानदार और ग्राहकों में नोकझोंक होती है। वही आपको बता दें कि पूरे जिले भर में रोजाना लाखों रुपये के गुटखा का थोक और रिटेल में व्यापार होता है। वही अचानक से दाम बढ़ने से छोटे दुकानदारों पर इसका सीधा असर पड़ता है और एजेंसी संचालकों की मनमानी से छोटे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि एजेंसी संचालकों को रातों रात हजारों रुपये का मुनाफा हो जाता है। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर से बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा द्वारा नगला, भदौरिया, बकपुरा, खरकेड़ा, गुर्जा, फतेना, पुरैनी आदि गांवों में जनसंपर्क किया गया। साथ ही शहर में मदीना कॉलोनी, इस्लामपुरा, गोशाला बाड़ी रोड में मीटिंग की गई। बसपा के धौलपुर उम्मीदवार रितेश शर्मा ने कहा कि गांव व शहर में जो जोश उत्साह के साथ जनता जनार्दन जो साथ और समर्थन मिल रहा है, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कहा कि आज धौलपुर में सर्व समाज रितेश शर्मा के पक्ष में नजर आ रहा है। आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब धौलपुर के हित में रितेश शर्मा को वोट दें। लक्ष्मण सिंह जाटव पूर्व सरपंच ने कहा कि अब की बार धौलपुर में विकास के लिए हम सभी रितेश शर्मा को जीतना होगा, जिससे धौलपुर में विकास हो। इस अवसर पर पचम सिंह, मुरारी जाटव, गोविंद जाट, विजेंद्र बघेला, चंदन कुशवाहा, सूरज जाट, गिरिराज जाट, भूप सिंह, हेमंत दाऊ जी, राम खिलाड़ी, शिव सिंह आदि लोग सहित सैकड़ों लोग साथ रहे। 5 साल बाद बदल जाती है, तो मेरे को जो 5 साल आप अगर दोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ मुझ में जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, ईमानदारी से मैं जितना आप लोगों के लिए जो करूंगा आपके हित के लिए करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरा हित आप लोग, आपको बताऊं मेरा हित क्या है। कई सोच रहे होंगे साहब जे काय काजे लगो है, इतना हेडेक क्यों पाल रहा है। ये वाकई बहुत हेडेक है। मैं ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, कई लोगों को लगता होगा ये कोई अच्छा जीवन नहीं है। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने दर्जन भर से अधिक गांव में किया जनसंपर्क। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से सोमवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने दर्जन भर से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपार स्नेह दिया और अपना अमूल्य वोट देने का वादा किया। डॉक्टर कुशवाहा ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि क्षेत्र में मिल रहे समर्थन को देखकर कह सकता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद देने का पूरा मन बना चुकी है। जनसंपर्क रैली के दौरान चांदपुर, विष्णौदा, रजई का पुरा, भूतपुरा, गुन्ना का पुरा, रिछपुरा, चौवानिया पुरा, सरेखी का पुरा, मोरोली का पुरा, नगला भगत, रजौरा सहित कई गांवों में स्वागत सभाओं में मुझे जो विशेष प्यार और सम्मान मिला है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इंदिरा जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई एवं सदन के सभी लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक एवं पीसीसी मेंबर धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी आत्मविश्वास की धनी थी। इस अवसर पर गांधीवादी अशोक पंडित, धौलपुर संयोजक, मनिया संयोजक मदनलाल, राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजा खेड़ा, संयोजक रविंद्र मौर्य, गिरिराज सिंह, सुल्तान सिंह, उदय सिंह, कृष्णा, विजय सिंह सहित गांधी दर्शन सहित कांग्रेस एवं गांधी जीवन दर्शन के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।